हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11 से चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़ या फिर लीनियर इनइक्वेशन। एनसीईआरटी बुक से करेंगे। लीनियर इक्वेशन हम जानते हैं, लीनियर इक्वेशन हमारी क्या आती है, होती है ऐसे दो रियल नंबर या फिर दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इक्वल साइन से रिलेटेड होते हैं उन्हें कहते हैं लीनियर इक्वेशन। यहाँ हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी क्या है? टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो लिख देते हैं टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इज इक्वल टू फॉर्म एन इनइक्वालिटी। यानी दो रियल नंबर या फिर दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इज इक्वल टू साइन से रिलेटेड होंगे वे बनाएंगे हमारे इनइक्वालिटी। लिखते हैं जैसे कि 5 लेस देन 7, ये हमारे दो रियल नंबर हैं जो लेस देन साइन से रिलेटेड हैं, ये हमारी एक इनइक्वालिटी है। 6 ग्रेटर देन 4, ये हमारी एक इनइक्वालिटी है। यहाँ दो रियल नंबर 6 एंड 4 ग्रेटर देन साइन से रिलेटेड है, ये हमारी है एक इनइक्वालिटी। ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें केवल रियल नंबर होंगे उन्हें कहेंगे हम न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। और ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके साथ वेरिएबल भी होंगे, जैसे मैं कहूं वाई ग्रेटर देन 2, एक्स लेस देन इक्वल टू 3, वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, यहाँ हमारे पास वेरिएबल भी हैं कॉन्स्टेंट भी हैं, ऐसे हमारे होते हैं, ऐसी इनइक्वालिटी कहेंगे हम लिटरल इनइक्वालिटी। लिटरल इनइक्वालिटी। अब हम समझ गए हमारे पास दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो रिलेटेड होंगे लेस देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। जैसे हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। यहीं अगर हम इक्वल साइन को रिप्लेस कर दें ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी या फिर ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी या ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी या ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, ये हमारी थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेरिएबल एक्स एंड वाई, ये हमारी है लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। अगर वन वेरिएबल है जैसे ए एक्स ग्रेटर देन सी, ए एक्स ग्रेटर इक्वल टू सी, ए एक्स लेस देन सी, ए एक्स लेस देन इक्वल टू सी, ये हमारी है वन वेरिएबल लीनियर इक्वालिटी। न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखें 2x प्लस 5y इक्वल टू सपोज
सेवन, ये हमारे एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यही अगर हम ऐसा कर दें 2x प्लस 5y ग्रेटर देन 7, तो ये हमारी लीनियर इनइक्वलिटीज इन टू वेरिएबल्स हैं। तो इक्वलिटी हमारी, इन लीनियर इक्वलिटी हमारी क्या आ गई, ऐसे दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू साइन से रिलेटेड होंगे, उन्हें कहेंगे हम लीनियर इनइक्वलिटीज। इन्हें सोल्व करने के लिए बिल्कुल सेम मेथड हमारे इक्वेशन वाले ही होंगे। को हमारे पास इक्वेशन और ये हमारी इनइक्वलिटी, सपोज ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी है। सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले दोनों तरफ बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए एक्स प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस बी, सी माइनस बी, यहाँ बी से बी कैंसिल, ए एक्स इज इक्वल टू आ गया सी माइनस बी। अब ए से डिवाइड करेंगे, ए एक्स डिवाइड बाई बी सी एक्स माइनस बी डिवाइड बाई, सॉरी ए एक्स डिवाइड बाई ए सी माइनस बी डिवाइड बाई ए, ए से ए कैंसिल, एक्स इक्वल टू आ गया सी माइनस बी बाई ए, यही हमारा आंसर है। सेम मेथड यहाँ अप्लाई करना है, ए एक्स प्लस बी सपोज ग्रेटर देन सी है, तो पहले दोनों तरफ हम बी को करेंगे सब्ट्रैक्ट, सी माइनस बी, बी कैंसिल, आ गया ए एक्स ग्रेटर देन सी माइनस बी डिवाइड बाई ए, ए एक्स डिवाइड बाई ए ग्रेटर देन सी माइनस बी डिवाइड बाई ए, ए कैंसिल, एक्स ग्रेटर देन सी माइनस बी बाई ए, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। डायरेक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट करते हैं ए एक्स सपोज प्लस बी इज इक्वल टू सी, डायरेक्ट हम ट्रांसपोजिशन कर लेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू सी माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू सी माइनस बी बाई ए, ऐसे यहाँ भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी, ए एक्स ग्रेटर देन सी माइनस बी, एक्स ग्रेटर देन सी माइनस बी बाई ए, यानी कि सोल्व करना है इनको जैसे हम लीनियर इक्वेशन सोल्व करते हैं। क्या था, सेम क्वांटिटी हम दोनों साइड में ऐड कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी हम दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बस नोट पॉइंट इसमें क्या है, नोट पॉइंट यह है कि हम अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। लिख देता हूँ नोट पॉइंट, बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वलिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर्स। क्या कहा, जब हमारे पास इनइक्वलिटी होगी तब हम सेम पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो उस इनइक्वलिटी का साइन हमारा रिवर्स हो जाएगा। इफ मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द नेगेटिव, नेगेटिव नंबर देन द साइन ऑफ इनइक्वलिटी इनइक्वलिटी इज रिवर्स, इज रिवर्स, या जो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो हमारा रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन का ग्रेटर देन।
इक्वेशन की बात करते हैं, सपोज ए एक्स इज इक्वल टू बी था, डिवाइड बाई माइनस ए या मल्टीप्लाई बाई माइनस ए, मल्टीप्लाई बाई माइनस वन कह लो, चलो माइनस वन, तो क्या आएगा माइनस वन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बी माइनस ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। साइन पर कोई इफेक्ट नहीं है। अगर हमारे पास इनइक्वालिटी है, सपोज ए एक्स ग्रेटर देन बी, और यहाँ मैं कहूँ मल्टीप्लाई बाई माइनस वन, तो माइनस वन ए एक्स ग्रेटर देन माइनस वन बी। जब माइनस वन माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन का बन जाएगा लेस देन, तो क्या आएगा माइनस ए एक्स लेस देन माइनस बी। यहाँ अगर मेरे पास कोई इक्वेशन थी ए एक्स माइनस ए एक्स इक्वल टू बी माइनस ए एक्स इज इक्वल टू बी, और मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस माइनस प्लस ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। यहाँ अगर मेरी इक्वेशन ऐसी आ गई और माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस माइनस प्लस ए एक्स, और यहाँ साइन हमारा बन जाएगा, माइनस से तो मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, लेकिन इनइक्वालिटी साइन हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये नोट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल के साथ, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वालिटीज। बस केवल ये नोट पॉइंट याद रखना है, बाकी तो हम सारा करेंगे जैसे लीनियर इक्वेशन करते हैं, सेम रियल नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, सॉरी ऐड भी कर सकते हैं सेम रियल नंबर को, दोनों सब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। बस मल्टीप्लाई और डिवीजन में, अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मल्टीप्लाई अगर निगेटिव नंबर से करते हैं तो उसका इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, जैसे कि यहाँ दिखाया है। नाउ स्टार्ट एग्जांपल करते हैं कुछ। एग्जांपल फर्स्ट ऑन पेज 119, पेज नंबर 119 पर एग्जांपल फर्स्ट दिया है। सोल 30x लेस देन 200, कब फर्स्ट वहन फर्स्ट x इज ए नेचुरल नंबर, सेकंड x इज एन इंटीजर, सॉल्यूशन। इनइक्वालिटी हमारी क्या है, We have 30x less than 200 divide by 30, जैसे क्वेश्चन में करते थे, मैं चलो इधर कर देता हूँ, 30x equal to 200 अगर ये हमारी इक्वेशन है, divide by 30 या फिर after transposition 200 by 30 x का आंसर आ गया, ऐसे यहाँ करना है x less than 200 by 30। अब x लेस देन 200 बाई 30 सिंप्लीफाई कर लें, x लेस देन 20 बाई 3, आगे सिंप्लीफाई अगर करें तो x लेस देन 3 6 आर 18, 3 9 सिक्स सिक्स आएगा, सिक्स सिक्स। अब फर्स्ट केस यानी कि एक्स की वैल्यू 6.66 से लेस है, फर्स्ट कंडीशन एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर या फिर एक्स बिलोंग टू एन, ये तो लैंग्वेज लिख देते हैं, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो x हमारा क्या आएगा, x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, नेचुरल नंबर मीन काउंटिंग नंबर, लेकिन जो 6.66 से कम है, छोटे हैं, दैट इज़ 1 2
थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो x की वैल्यू हमारी 1, 2, 6 होगी। सेट की फॉर्म में लिखते हैं सॉल्यूशन, सेट हमारा क्या आएगा, सेट की फॉर्म में लिख देंगे, सेट हमारा क्या, इन एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सेकंड, x is an इंटीजर। जब x हमारा इंटीजर है तो x की वैल्यू क्या आएंगी, इंटीजर मीन जीरो सहित प्लस नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर। प्लस कहाँ तक जाएंगे, प्लस हम जाएंगे x लेस देन 6.6, तो x हमारा आएगा इन्फिनिटी से, सपोज इन्फिनिटी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ हमारी इधर कोई हमारी लिमिट नहीं है, तो x का अगर सेट की फॉर्म में लिखें, सेट की फॉर्म में आएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हमारे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक, 6 तक। अगर इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस इन्फिनिटी से लेकर के और 6 तक हमारा, तो सेट हमारा आएगा, सेट फॉर्म में लिखेंगे तो करली ब्रैकेट के अंदर -3, -2, -1, 0 और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड, पेज हमारा 119 है। सोल क्या दिया है, वी हैव इक्वेटेड दी है हमारी 5x-3 <less than 3x+1, और दोनों कंडीशन का है, एक बार का x एक हमारा इंटीजर है, सेकंड x हमारा एक रियल नंबर है। तो पहले सोल्व करते हैं, करेंगे ट्रांसपोजिशन मेथड से, वेरिएबल एक साइड और कॉन्स्टेंट हमारी वन साइड, कितनी आ गई 5x आफ्टर ट्रांसफर -3x लेस देन साइन हमारा ऐसे, अभी ऐसे रहेगा, साइन चेंज कब होगा, जब माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, प्लस वन ये हमारा लेफ्ट राइट में आएगा, -3 का हो गया +3, 5x-3x, 2x less than x less than divided by 2 is equal to 2। तो x की वैल्यू 2 से लेस, फर्स्ट केस व्हेन x इज एन इंटीजर, जब x हमारा इंटीजर है तो x की वैल्यू क्या क्या आएंगी, x की वैल्यू 2 से कम इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर के -2, 1, -1, 0, 1, 2 से कम का है, 2 नहीं लिखेंगे, 2 लिख देना गलत है क्योंकि 2 से कम का है। सेट फॉर्म में लिखें तो सेट फॉर्म में सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट इज करली ब्रैकेट -2, -1, 0 एंड 1 आ गया। सेकंड केस x इज ए रियल नंबर, x हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू रियल है, रियल का मतलब दो नेचुरल नंबर के बीच बहुत सारे रियल नंबर है, तो यहाँ का सेट आएगा, सॉल्यूशन सेट हमारा जो होगा x बिलोंग करेगा कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक, 1 भी इंक्लूड है, तो ब्रैकेट लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 इंक्लूड नहीं था, 2 अगर लिख दिया तो फिर ओपन इंटरवल लेंगे, अगर 1 लिखेंगे तो क्लोज इंटरवल लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड, पेज 120 पर, सॉल्व वी हैव 4x plus 3
लेस देन 6x + 7। यहाँ कंडीशन कुछ नहीं दी कि x हमारा रियल नंबर है, x हमारा नेचुरल नंबर है, x हमारा इंटीजर है, नहीं दिया। बस डायरेक्ट सोल्व करेंगे, ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करते हैं। 4x आफ्टर ट्रांसपोजिशन -6x लेस देन +7 +3 -3 बन गया। 4x -6x -2x लेस देन 7 -3 इज इक्वल टू +4। यहाँ आ करके अब यहाँ आ गया, जब भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में x नेगेटिव हो तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी साइन चेंज। -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस +2x, इनइक्वालिटी साइन चेंज होकर के लेस देन का बन गया ग्रेटर देन, +4 इंटू -1 दैट इज -4, एक्स ग्रेटर देन -4/2 दैट इज 2। तो x का सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया, यहाँ से x बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू -2 से बड़ा -2 बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। -2 इंक्लूड नहीं है तो -2 और इन्फिनिटी को करेंगे हम ओपन इंटरवल में क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। एग्जांपल 4th, सोल्व वी हैव, क्या सोल्व करना है जी, 5 -2x/3 लेस देन इक्वल टू x/6 -5। अपॉन हटाने के लिए बताया था, अपॉन हटाएंगे इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई, 6 3 अपॉन में है, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई, 6 से यहाँ, 6 2, तो कितना 2, 5 -2x लेस देन इक्वल टू 6 से यहाँ मल्टीप्लाई अकेला x माइनस 5 × 6 = 30 जी, 10 -4x लेस देन इज इक्वल टू x - 30। ट्रांसपोजिशन -4x + x इधर आकर के -1x लेस देन इक्वल टू राइट हैंड में -30, लेफ्ट हैंड +10, आफ्टर ट्रांसपोजिशन बन गया -10। -4 -1 -5x लेस देन -30 -10 -40, फिर लेफ्ट में हमारा माइनस साइन आ गया। माइनस साइन जब आता हो तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा, तो क्या -5x साइन चेंज, -40 एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 8 आ गया। सोल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया x बिलोंग टू, x की वैल्यू 8 के इक्वल भी है और इससे बड़ी भी है, इक्वल भी है, इक्वल के लिए क्लोज इंटरवल 8 कहाँ तक, 8 से बड़ी कहाँ तक लिमिट नहीं है तो इन्फिनिटी, 8 to infinity, इन्फिनिटी कोई लिमिट नहीं होती तो हमेशा ओपन इंटरवल। तो सोल्यूशन आ गया x बिलोंग टू 8 to infinity। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 5th, सोल्व 7x + 3 लेस देन 5x + 9। वी हैव 7x + 3 लेस देन 5x + 9। करते हैं पहले ट्रांसपोजिशन, 7x -5x लेस देन +9 + 3 दर्जा करके -3, 7x - 5x 2x लेस देन 9 - 3 इज इक्वल टू +6x लेस देन 3 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट अगर निकालें तो सॉल्यूशन सेट यहाँ से आ गया, x बिलोंग करेगा 3 से कम तो -2 3 कर ली स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। काया सो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन ड्रा करेंगे, लेफ्ट हैंड में -∞, राइट में +∞, कहीं रिप्रेजेंट कर लेंगे
थ्री को, थ्री इंक्लूड नहीं है, इज इक्वल टू नहीं है, तो इंटरवल के अकॉर्डिंग यहाँ लेंगे हम ब्लैंक, ब्लैंक स्पेस, और इसको कहेंगे थ्री है। अब थ्री से छोटा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो इस लाइन को कर देंगे हम, इस पोर्शन को थ्री माइनस थ्री से लेकर के इन्फिनिटी तक कर देंगे हम सेड, और ये रहेगा हमारा ब्लैंक, ब्लैंक रहेगा थ्री कॉलम, क्योंकि थ्री इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर यहाँ इक्वल टू भी साइन होता तो थ्री को कहते डार्क। ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया, थ्री, फिर यहाँ कहीं होगा टू, यहाँ कहीं वन प्लस वन, फिर जीरो, फिर माइनस वन, माइनस टू, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेंगे। एग्जांपल हमारा आता है जी सिक्स, सोल्व क्या, थ्री एक्स माइनस फोर बाई टू ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई फोर माइनस वन, पहले अपॉन को सिंप्लीफाई, टू फोर, फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी फोर से मल्टीप्लाई, यहाँ भी फोर से, और यहाँ भी फोर से मल्टीप्लाई, टू टू जब फोर, तो टू इंटू थ्री एक्स माइनस फोर, गड़े फोर कैंसिल, एक्स प्लस वन माइनस फोर वन जब फोर, टू सिक्स एक्स माइनस एट ग्रेटर दैन इक्वल टू एट एक्स प्लस वन माइनस फोर माइनस थ्री, ट्रांसपोजिशन सिक्स एक्स माइनस वन एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस थ्री प्लस एट, सिक्स एक्स माइनस वन एक्स फाइव एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू एट माइनस थ्री प्लस फाइव एक्स ग्रेटर इक्वल टू वन। और फिर कहा है ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है, ग्राफ रिप्रेजेंट के लिए नंबर लाइन ड्रा करेंगे, लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी, राइट में प्लस इन्फिनिटी, आज वन से बड़ा, वन भी इज इक्वल टू है, तो एक स्पेस, एक डॉट लगाएंगे जो डार्क करेंगे, क्योंकि वन भी इंक्लूड है, इज इक्वल टू साइन है, तो और वन से बड़ा का है, तो ये पोर्शन हम इधर क्या क्या आ गया, वन टू थ्री एंड सो ऑन। तो सॉल्यूशन सेट यहाँ था, एक्स बिलोंग टू वन इंक्लूड है, तो वन की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट और इन्फिनिटी, ये हमारा इंटरवल फॉर्म में आ गया। एग्जांपल सेवन, एग्जांपल सेवन क्या कहता है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास इलेवेंथ इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 एंड 48 रेस्पेक्टली। एक स्टूडेंट है कक्षा 11 का, उसका टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट में उसके मार्क्स 62, सेकंड में 48, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज एट लीस्ट 60 मार्क्स। इसने कहा है कि दो टर्म एग्जाम में उसके मार्क्स 62 एंड 48 आए हैं, थर्ड में निकालने हैं एनुअल में, उसका एवरेज 60 आ जाए, तो थर्ड को मान लेंगे, लेट मार्क्स ऑब्टेन इन द एनुअल एग्जाम बी एक्स अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एवरेज का एट लिस्ट 60, एवरेज 60 है, एवरेज मीन सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स, फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स 62, सेकंड टेस्ट में मार्क्स 48 प्लस थर्ड टेस्ट में मार्क्स x डिवाइड बाय 3, कम से कम एट लिस्ट मीन कम से कम 60 है, 60 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू भी हो सकते हैं, कहा है एट लिस्ट 60, समझें एट लिस्ट 60, उसका एवरेज कम से कम 60 है, 60 से कम नहीं है, 60 के बराबर भी हो सकता है, 60 से ज़्यादा भी हो सकता है, 60 से कम नहीं है, तो साइन आएगा ग्रेटर देन। ये हमारी बन जाएगी यहाँ से इनइक्वलिटी, तो कितना है मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 62 प्लस 48 इज इक्वल टू 110, यस सर, प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 6380, ट्रांसपोजिशन करेंगे एक्स ग्रेटर इक्वल टू
180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70। तो थर्ड टेस्ट में जो मार्क्स आएंगे कम से कम 70 आएंगे, कम से कम। उसने कहा था फाइंड द मिनिमम, यस सर। देयरफॉर मार्क्स मार्क्स ऑब्टेन इन द एनुअल एग्जाम मस्ट बी मिनिमम ऑफ, यस सर, मिनिमम ऑफ 70। 70 से कम नहीं आने, 70 या 70 से ज़्यादा उसके मार्क्स आने। और लास्ट एग्जाम्पल करते हैं जी, एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 हमारा क्या है, ऑन पेज 121। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। अगर ऑड नेचुरल नंबर हम लेंगे एक्स, अगर कोई नंबर है तो सेकंड ऑड हमारा आएगा एक्स प्लस 2, यस सर। लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस 2, कब, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों जो हैं 10 से ज़्यादा हैं, एंड देयर सम इज लेस देन 40, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, दोनों 10 से बड़े हैं, विच आर लार्जर देन 10, एक्स ग्रेटर देन 10 एंड एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 10। फर्स्ट कंडीशन कि एक्स की वैल्यू 10 से ज़्यादा है, एक्स प्लस 2 की वैल्यू भी 10 से ही ज़्यादा है, दोनों 10 से ज़्यादा। एंड सेकंड कंडीशन, सम ऑफ यानी फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर हमारा एक्स प्लस 2, ये दोनों जो हैं लेस हैं इससे 40 से, कहा है एंड देयर सम इज लेस देन 40, उन दोनों का फर्स्ट प्लस सेकंड इज लेस देन 40। ये हमारी इक्वेशन आ गई सेकंड, सोल्व करनी है सेकंड, हम आगे लिखें कितनी आ गई, 2x प्लस 2 लेस देन 40, 2x लेस देन 38, x लेस देन 19, x की वैल्यू 19 से कम है। अब फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन जैसे वहाँ करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे यहाँ कहेंगे, बल्कि यहाँ इक्वेशन नहीं इनइक्वालिटी कहेंगे, फ्रॉम इनइक्वालिटी फर्स्ट एंड सेकंड, या यहाँ इसको थर्ड मान लिया, चलो फर्स्ट एंड थर्ड कहते हैं। तो एक्स की वैल्यू लेस देन 90 है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, तो यहाँ का एक्स की वैल्यू 10 से बड़ी, यहाँ का एक्स की वैल्यू 19 से छोटी, तो एक्स वैल्यू क्या आ गई, एक्स ग्रेटर देन 10 है और लेस देन 19 आ गया। अब पेयर बनाने हैं, ओड नंबर के पेयर बनाएंगे, तो फर्स्ट पेयर क्या आएगा, क्योंकि हमारा एक्स क्या है, एक्स एक ओड नंबर है, बिकॉज एक्स इज एन ओड नंबर, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, एक्स वैल्यू क्या होगी, या तो होगी 11 क्योंकि 10 से बड़ा है और ओड है, तो 11, फिर 13, 15, फिर क्या होते हैं 17, क्योंकि 19 से कम होनी है, तो एक्स वैल्यू आएगी 11, 13, 15 एंड 17, 19 तो इज इक्वल टू आ गया, तो 19 इंक्लूड नहीं होगा, तो एक्स की वैल्यू 11, 13, 15 एंड 17 ही हो सकती है। हैंस द पेयर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स आर, क्या क्या होंगे,
पहला नंबर 11 पेयर बनाने हैं ना, पहला ओड 11, नेक्स्ट 13 होगा कॉन्जेक्टिव, हर किसी के साथ अब पेयर बनाने हैं। सेकंड पेयर हमारा 13 15, ये 15 नहीं है, इसका कॉन्जेक्टिव ओड 15, फिर 15 के साथ 17, फिर नेक्स्ट 17 के साथ क्या आएगा 19, ये हमारे पॉसिबल पेयर है। इस तरह से हमारे एग्जांपल कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1। थैंक यू।